हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार एयर कूलर। लेकिन ये जो एयर कूलर होगा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एयर कूलर होगा, यानी मिनी एयर कूलर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस मिनी एयर कूलर को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 63 mm की एंड कैप, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लेंगे, ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक ड्रोन मोटर। और ये कहाँ पर मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये ड्रोन मोटर 56,000 RPM की है। तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ कि इसकी स्पीड कितनी तेज़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ले लिए हमने एक प्रोपेलर, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा लूँगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेंगे एक बैटरी जो कि 200 mAh की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह है वो बैटरी जो कि लिथियम बैटरी है 200 mAh की। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर एक मिनी कूलर बनाने जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल छोटी लेनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको इसकी स्पीड चेक करवाता हूँ। और आप इसकी जो प्रोपेलर है इसको देखना फ्रेंड्स, आपको ये दिखाई भी नहीं देगी, इतनी तेज इसकी स्पीड है, जैसा कि मैंने आपको बताया 56,000 RPM की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाई दिया आपको, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। लो बताओ फ्रेंड्स, इसकी प्रोपेलर कहाँ है, ये देखो यार कितनी तेज इसकी स्पीड है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम मिनी कूलर बनाने जा रहे हैं, यानी छोटा पैकेज और बड़ा धमाका, क्या बोलते हैं यार उसको, मेरे को भी नहीं ध्यान, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उसको क्या बोलते हैं। एक यहाँ पर लेंगे हम पुश स्विच, ठीक है। इसके अलावा लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक चार्जिंग मॉड्यूल जो कि इस 3.7 volt की बैटरी को चार्ज करने के लिए काम में आएगा। और भी अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो वीडियो में बताता रहूँगा बीच बीच में। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ड्रोन मोटर को विद प्रोपेलर यहाँ पर लगाएंगे। विद प्रोपेलर ही लगेगी यार, नहीं तो कैसे बनेगा एयर कूलर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, ये एक PVC पाइप की शीट बनाई हुई है, ठीक है। तो इसको हम ले कर यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये गोला कट कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने गोला कट कर लिया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोटर को फिट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस मोटर की साइज का यहाँ पर छेद कर लेते हैं। ये मोटर लगभग 7 mm की है, तो हम यहाँ पर 7 mm का ही छेद कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे अब, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको इंस्टेंट ग्लू के द्वारा चिपका लेते हैं। और ये प्रोपेलर हम बाद में लगाएंगे, फिलहाल हम यहाँ पर और कनेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चार्जिंग मॉड्यूल हमने लिया था वो हम सबसे पहले यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरीके से। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लगाएंगे बैटरी जो कि हमने ली थी 200 mAh की, ये बैटरी है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। तो चार्जिंग मॉड्यूल के अंदर जो बैटरी का माइनस लिखा हुआ है वहाँ पर ब्लैक वाला वायर आ जाएगा बैटरी का, और जहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव इंगित है वहाँ पर बैटरी का रेड वाला वायर कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने स्विच लिया था पुश स्विच, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर हमने स्विच को अच्छे से चिपका लिया है, देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें स्विच का कनेक्शन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम मोटर का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर हम मोटर का पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह नेगेटिव कनेक्शन करेंगे, तो हमारी जो प्रोपेलर है ड्रोन की तरह काम करेगी, यानी कि ऊपर की तरफ। लेकिन हमें जो हवा है वो नीचे की तरफ पास करानी है, इसलिए हमें कनेक्शन उल्टे करने होंगे, यानी जो रेड वाला वायर है मोटर का उसको हमें नेगेटिव पे कनेक्ट करना है और जो इसका ब्लू वाला वायर है उसको पॉजिटिव पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मोटर का ब्लू वाला वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे स्विच के ऊपर, और यहाँ पर ये एक तरीके से नेगेटिव वायर है मोटर का। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक वायर का टुकड़ा और लेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर स्विच के इस पॉइंट से चार्जिंग मॉड्यूल के पॉजिटिव के ऊपर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारे कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। और चलिए अब यहाँ पर जो प्रोपेलर है इसको मैं आपको लगा के बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम प्रोपेलर को लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं इसको ऑन करके बताता हूँ। ये देखिए तो मैं आपको इसको चार्ज भी करके बताऊंगा। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर हम बाकी का काम करते हैं। यहाँ पर लगाने वाले हैं हम इसको ऐसे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार हवा कैसे आएगी, तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम एक बोतल लेंगे और इस बोतल को यहाँ से हमें कट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम कट कर लेते हैं इसको। और अब हम इसको लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं और फिर उसके बाद में करेंगे हम इसके अंदर होल। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम छेद कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसको अच्छे से चिपका लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लगाने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसको लगाने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि हमने जो मोटर के कनेक्शन किए थे, मोटर का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव पे और मोटर का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव पे कनेक्ट किया था, उसको हमने वापस से पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव कर दिया है। फ्रेंड्स इसका ये फ़ायदा होगा हमें कि जैसे ही यहाँ पर हमारी जो प्रोपेलर है पहले नीचे की तरफ हवा दे रही थी, लेकिन अब वो ऊपर की तरफ देगी। इससे हमें यह फ़ायदा होगा कि ये हवा इस तरीके से खींचेगी ऊपर की तरफ और इससे हवा पास होगी, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी टेस्टिंग कराने वाला हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप ये सारा जुगाड़ है इसको ढक के रखे, तो आप अपने हिसाब से इसको कवर कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर कवर नहीं करूँगा। यहाँ पर हम इसको सबसे पहले चिपका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको अच्छे से चिपका लिया है और अब मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ फ्रेंड्स। तो यार बहुत ही शानदार इसकी हवा आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दोबारा से चेक कराता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम चार्जिंग लगे लगे भी इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर डालेंगे, और जब यहाँ पर ये बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े पिघल के पानी बन जाएगा तो हम वेस्टेज पानी को यहीं से वापस निकाल देंगे।
और अब देखिए फ्रेंड्स इसकी ठंडी ठंडी चिल्ड हवा। मजा आ गया यार फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार चिल्ड हवा आ रही है इसकी। चलिए मैं आपको इसका टेम्परेचर चेक करवाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है 33.7 के लगभग यहाँ पर टेम्परेचर है। और अब आप देखिएगा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं आपको हर एक वीडियो लाइव बताने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि यार मैं कोई भी वीडियो फेक नहीं बनाता। कितनी जल्दी टेम्परेचर इसका गिर रहा है आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स यहां पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूं। तो यार फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता जा रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे कुछ मित्र बोलेंगे कि इसका तो बैकअप ही बहुत कम रह जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप यहाँ पर 500 mAh की बैटरी भी रिप्लेस कर सकते हैं इसकी जगह, जो कि हमारे पास यह 200 mAh की बैटरी है इसकी जगह। ये देखिए यहाँ पर ये 500 mAh की बैटरी है, तो इस तरह से हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका बैकअप बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एयर कूलर बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार इस एयर कूलर के लिए आप लोग अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।